रायबरेली में बार काउंसलिंग उत्तर प्रदेश के अफवाह पर महिला अधिवक्ता की हत्या के विरोध में सैकड़ों अधिवक्ता ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। पूरा मामला कासगंज जनपद के दीवानी न्यायालय की महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर की अज्ञात बदमाशों के अपहरण के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके शव को नहर के किनारे फेंक दिया गया था। महिला अधिवक्ता की हत्या के विरोध पर उत्तर प्रदेश बार काउंसलिंग के अफवाह पर रायबरेली सेंटर बार एसोसिएशन के साथ साथ कलेक्ट्रेट व तहसील के अधिवक्ताओं ने काम बंद करके जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। जी हां, आपको बता दें कि अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज अधिवक्ताओं ने मांग की है कि मृतक अधिवक्ताओं के परिजनों के सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए मुआवजा व शास्त्र लाइसेंस देने की मांग की गई है। आइए जानते हैं कि इस मौके पर क्या कुछ कहा है सेंटर बार एसोसिएशन के रायबरेली अध्यक्ष और अन्य अधिवक्ताओं ने। जी क्या मांगे हैं आप? हमारे मोहिनी तोमर की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। उनकी लाश को पहले अपहरण किया गया, फिर लाश को नहर पर नग्न अवस्था में फेंक दिया गया। आज तक 3 तारीख हो गई, आज तक कोई कांजीजेंस नहीं लिया सरकार ने और न पुलिस विभाग ने लिया। अगर वो लोग पकड़े नहीं जाते हैं तो ये अनवरत स्ट्राइक चलेगी और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। क्या मांग है? हमारी मांगे हैं कि 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को, एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उनको गिरफ्तार होकर उनके सजा मिलनी चाहिए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होना चाहिए जिससे हमारी लोगों की, अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जी जिस प्रकार आज कार रहा, भविष्य में भी रहेगा कि आज? बिल्कुल, अगर नहीं पकड़े जाएंगे तो बिल्कुल रहेगा। एडवोकेट पूर्व संयुक्त मंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन रायबरेली। पूरा मामला कासगंज में हमारी एक अधिवक्ता साथी है, बहन है, उनके साथ बड़ा की नृशंस हत्या की गई है। इस संदर्भ में हम लोगों ने आज एक पैदल मार्च जिला दीवानी न्यायालय से लेकर के कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस किया है और मांग की है इस मार्च के माध्यम से कि जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए क्योंकि देश में पूरी तरीके से अस्थिरता का माहौल है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है और आम जनमानस, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। इसलिए जो सुरक्षा का दायरा वो बढ़ाया जाना चाहिए और जल्द से जल्द अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। जब तक ये लागू नहीं होता है, अधिवक्ता हमारा साथी सड़कों पर रहेगा, इसी तरह संघर्ष करता रहेगा और अगर नहीं मानती है माने सरकार तो हम इसमें संसद भवन का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। सुरेंद्र सिंह भदौरिया, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन रायपुर। आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय, क्या मामला है और क्या मांग है आप? हम लोग कासगंज में जो हमारी बहन अधिवक्ता मोहिनी की हत्या हुई है उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि उनके हत्यारों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है और ये बहुत दुखद बात है। सबसे बड़ी बात तो यह प्रदेश सरकार का बुलडोजर छोटी छोटे मामलों में भी चल जाता है अपराधियों पर। इतना बड़ी घटना हुई है, पूरे प्रदेश के का अधिवक्ता आंदोलनरत है, इसके बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर अभी नहीं चला है लखनऊ से, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। साथ ही हमारी मांग ये है कि हमारे मोहिनी के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए एक व्यक्ति को और उन्हें सुरक्षा दी जाए, साथ ही असलाह का जो लाइसेंस दिया जाए, इसके साथ ही जो भी आर्थिक सहायता हो सके ज्यादा से ज्यादा उनके परिवार को प्रदान की जाए। ये कार बहिष्कार चल रहा है, कब तक चलेगा कार बहिष्कार? आज का जो कार बहिष्कार और ज्ञापन देने की बात है, ये हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आह्वान है। आज हम लोग फिर बैठेंगे और बैठने के बाद रणनीति तय करेंगे कि क्या आगे होना है। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन और प्रदेश प्रशासन इतनी बड़ी घटना पर चुप्पी साधे हुए हैं और उससे भी हैरत की बात है कि हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता जो छोटी छोटी बातों को लेकर अपना वक्तव्य देते रहे और मीडिया में आते रहते हैं, उन्हें इतना बड़ा हत्याकांड नहीं दिखाई पड़ रहा, ये भी एक शर्म की बात है। धन्यवाद। रायबरेली से दनिशन भारत के लिए मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। देश दुनिया की और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें दनिशन भारत के साथ।